ਸਥਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਬਰਾਏ ਸਮਾਜੀ ਬਹਿਬੂਦੇ ਸਿੰਘ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜੀ ਜੋਖਿਓ ਏ ਗਵਰਨੈਂਸ ਡੀ ਸੀ ਆਫਿਸ ਮਲੀਅਰ ਕੇ ਏਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੇਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੇਂ ਮਲੀਅਰ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਕੇ ਰਹਿਨਮਾਓਂ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀ। इस मौके पर खिताब करते हुए सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो ने कहा कि आवाम और हुकूमत के दरमियान रابطہ कायम करने के लिए सिंध हुकूमत और हिंडर्स पाकिस्तान के मुश्तरका तआमुन ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सिंध में ए गवर्नेंस को फरोग दिया गया है। इस मुनफरिद लाहे अमल की शुरुआत जिला मलीअर से करते हुए जिला मलीअर की ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई, जिसमें जिला मलीअर में काम करने वाले तमाम सरकारी महकमे की तफसीली मालूमात मौजूद है, जो कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। इस वेबसाइट का नाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मलीअर है। वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस के साथ तैयार किया गया है। वेब पोर्टल पर काम जारी है। प्रोजेक्ट का मकसद वेब पोर्टल को बेहतर तरीके से मालूमात के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप आज मुनक्किद की जाएगी, जिसमें रजिस्टर्ड एन जी ओज़ खास करके ज़िला मलीअर कराची में काम करने वाली एन जी ओज़ के रहनुमाओं को तफसील से मालूमात दी गई है, जिसमें वेबसाइट के ज़रिए लोगों तक मालूमात की रसाई गवर्नमेंट और प्राइवेट शोबे में ऑनलाइन सर्विस के मुतालिक आगाह किया गया। वर्कशॉप में मोहम्मद साजिद जोखियो ने मजीद कहा कि इस जदीद दौर में मलीअर ज़िला को सिंध हुकूमत की जदीद सहूलियात दी गई हैं, ताकि आवाम को इस जदीद सहूलियात से फ़ायदा मिल सके। आज के वर्कशॉप में शरीक तमाम एन जी ओज़ को सिंध हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स दिए गए हैं। एन जी ओज़ की जानिब से प्रोग्राम में सिंध हुकूमत का लोगों में शामिल किया जाएगा। तमाम एनजीओज को पाबंद किया गया है कि सिंध हुकूमत का लोगो इस्तेमाल किया जाए। सिंध हुकूमत का लोगो का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए। सिंध हुकूमत और हैंड्स समेत तमाम एनजीओज सिंध में बेहतरीन काम कर रही हैं। इसको मजीद बेहतर और मजबूत किया जाएगा। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि हमारी कोशिश है कि हम अपने सिंध की आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करें।